सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले। इस कथा के लेखक हैं धीरज कुमार सालुंके। रात के 2 बज रहे थे। एक 30-35 साल की औरत सुनसान रास्ते पर ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी उसी रास्ते पर एक ऑटो आ गया। जैसे ही उस औरत ने हवा में हाथ लहराया, वैसे ही ऑटो ड्राइवर ने ऑटो उसके पास जाकर रोक दी। कहाँ जाना है मैडम? ऑटो ड्राइवर ने उस औरत से पूछा। अवंती नगर, औरत ने उत्तर दिया। ऑटो ड्राइवर ने अपना मोबाइल निकाला और गूगल मैप पर अवंती नगर की तलाश की, क्योंकि वह शहर में नया ही आया था और वह पहले कभी अवंती नगर की ओर नहीं गया था। अवंती नगर वहां से 7 किलोमीटर की दूरी पर था। भाड़ा 300 रुपये होगा मैडम, ऑटो ड्राइवर ने औरत से पूछा। क्या 300 रुपये? भैया 300 बहुत ज्यादा है, 200 में छोड़ दो, उस औरत ने ऑटो ड्राइवर से कहा। ऑटो ड्राइवर ने उस औरत को सिर से पैर तक देखा और कुछ देर सोचकर वह बोला, बैठिए छोड़ देता हूं। वह औरत ऑटो में बैठ गई और ऑटो अवंती नगर की तरफ निकल पड़ा। ऑटो ने 4-5 किलोमीटर की दूरी तय की थी। जब से वह औरत ऑटो में बैठी थी, तब से ऑटो ड्राइवर उसे आईने में घूरे जा रहा था और गाना गा रहा था। सलाम इश्क मेरी जान, जरा कबूल कर लो, तुम हमसे इश्क करने की जरा सी भूल कर लो। ऑटो ड्राइवर के इस बर्ताव से वो औरत डर गई। उसने तुरंत किसी को फोन किया और धीरे से बोलने लगी। वैसे ही रिक्शे वाले ने गाना बंद कर दिया और उसकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। हेलो शालिनी, तू आ रही है ना मेरे घर? तुझे पता है ना कि मेरे पति विशाल अमेरिका चले गए हैं और मैं घर पर अकेली हूँ, वो औरत बोली। नहीं यार, मैं नहीं आ सकती, मैंने तुम्हें दोपहर में ही बताया था ना। फोन की दूसरी तरफ से दूसरी औरत बोली। ठीक है, मत आना। ऐसा कहकर उस औरत ने गुस्से में फोन रख दिया। ऑटो ड्राइवर ने उस औरत की बात सुन ली थी। उसने सुन लिया था कि वो औरत आज रात अपने घर पर अकेली है और उसके सहेली ने भी उसके घर आने के लिए मना कर दिया है। ऑटो ड्राइवर अभी भी शीशे से उस औरत को घूर रहा था। इस वजह से वो औरत बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी उस औरत ने एक बंगले के सामने ऑटो ड्राइवर को रुकने के लिए कहा। ऑटो ड्राइवर ने देखा कि उस घर पर सिल्वर लीफ लिखा हुआ था। वैसे वो घर नहीं, एक बड़ा सा आलीशान बंगला लग रहा था। जैसे ही ऑटो रुक गया, वो औरत ऑटो से उतर गई और ऑटो ड्राइवर को पैसे देने के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी ऑटो ड्राइवर ने पैसे लेते समय उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अब जब तुम मुझे यहां तक ले ही आई हो तो एक कप चाय ही पिला दो। ऑटो ड्राइवर की बात सुनकर औरत और भी ज्यादा डर गई। उसने ऑटो चालक के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और सीधे गेट के अंदर भाग गई। यह देख ऑटो चालक मुस्कुराया। तभी उसकी नजर पीछे की सीट पर गई। औरत ऑटो में अपना मोबाइल भूल गई थी। इससे पहले कि औरत अपना मोबाइल लेने वापस आती, ऑटो ड्राइवर ने ऑटो स्टार्ट कर दी और वह वहां से 9:50 हो गया। कुछ दूर जाकर उसने ऑटो रोका और उस मोबाइल को देखा। वह कुछ 20-25 हजार का महंगा मोबाइल था। यह देखकर वो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने देखा कि मोबाइल बंद था। लेकिन अब कुछ समय पहले ही तो वो औरत मोबाइल पे किसी से बात कर रही थी, तभी तो मोबाइल चालू था, फिर इतने जल्दी ये बंद कैसे हो गया, वो मन ही मन बोला। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी होगी, इसलिए बंद पड़ा होगा। तभी अचानक उसके सिर में एक डरावनी योजना आ गई, मोबाइल फोन देने के बहाने उस औरत के घर जाने की। उसके दरवाजा खोलते ही उसके गर्दन पर छुरा रखकर उसकी इज्जत लूटने की और फिर घर में से सारे पैसे लूट के 9:50 होने की योजना बनाई। लेकिन इसके लिए उसे एक और साथी की जरूरत थी, इसलिए उसने अपने एक दूसरे ऑटो ड्राइवर दोस्त को फोन किया और उसे अपनी योजना के बारे में बताया। जब उसके दोस्त ने सुना कि
की एक सुंदर औरत घर पर अकेली है। तब उसका दोस्त वहां आने के लिए राजी हो गया। उसने अपने दोस्त को उस औरत के घर का पता बताया और उसे तुरंत वहां आने के लिए कहा और खुद उस औरत के बंगले के बाहर जाकर रुक गया। 10-15 मिनट बीत गए थे पर फिर भी उसका दोस्त अभी तक नहीं आया था। उसने उसे बहुत फोन किए लेकिन वह उसका फोन नहीं उठा रहा था। ऑटो ड्राइवर को ज्यादा देर तक रहा नहीं जा रहा था। उसे उस औरत का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। उसके वो हवा में उड़ने वाले बाल उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। उसके परफ्यूम की महक अभी भी उसकी नाक में बस गई थी। तो उसने अपने दोस्त को मैसेज किया, मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए दरवाजा खुला रखूंगा, जल्दी आ जाना। जैसे उसने मैसेज किया वैसे उसने सीट के नीचे छुपाया हुआ चाकू निकाला और एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में मोबाइल लेकर वह गेट खोलकर अंदर चला गया। उसने डोरबेल बजाई लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। उसने 3-4 बार डोरबेल बजाई लेकिन फिर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा कि शायद वो औरत अब सो गई होगी। उसे लगा कि उसकी योजना विफल हो गई और गुस्से में आकर उसने दरवाजे पर अपना हाथ मारा। तभी घर का दरवाजा खुल गया। उसने उस औरत का मोबाइल अपनी जेब में रखा और दाहिने हाथ में चाकू लेकर घर में घुस गया। उसने घर का दरवाजा बंद कर दिया और इधर उधर देखने लगा। वह एक बड़ा सा हॉल था। उस फ्लोर पर कोई बेडरूम उसे दिखाई नहीं दी, इसीलिए वो सीढ़ियां चढ़कर दूसरे फ्लोर पर गया। वहां उसने देखा कि एक बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ है और उस कमरे में रोशनी चालू थी। ऑटो ड्राइवर चुपके से दबे पांव उस कमरे में जा पहुंचा। अंदर कोई भी नहीं था। तभी उसे बाथरूम में से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। अच्छा, तो वह औरत बाथरूम में है, इसलिए उसे डोरबेल की आवाज सुनाई नहीं दी और इसीलिए उसने दरवाजा नहीं खोला, वो मन ही मन बोला और जल्दी से बाथरूम के दरवाजे के बाहर जाके खड़ा हो गया, क्योंकि उसने सोचा कि जब वो औरत बाथरूम से बाहर आएगी तो वह तुरंत उसके गले पर चाकू रख देगा और फिर बड़ी आसानी से उसकी इज्जत लूट लेगा। तभी अंदर से दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज आई। ऑटो ड्राइवर हाथ में चाकू पकड़कर सतर्क हो गया क्योंकि वह औरत अब बाहर आने वाली थी। लेकिन 2 मिनट बीते, 4 मिनट बीती, पर वह औरत अभी तक बाथरूम से बाहर नहीं आई थी। आखिरकार ऑटो ड्राइवर ने बाथरूम के दरवाजे को अंदर धकेल दिया। जैसे ही उसने दरवाजा अंदर धकेला वैसे ही उसकी नाक में सड़े हुए मांस की बदबू घुस गई। उसने अपने बाएं हाथ से अपनी नाक बंद कर ली और बाहर से बाथरूम में झांक कर देखा और सामने का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे वो थर थर कांपने लगा क्योंकि बाथरूम के बाथटब में 8-10 लाशों का एक ढेर था। वो डर के मारे पीछे हटने ही वाला था कि तभी उस औरत ने पीछे से आकर ऑटो ड्राइवर की कमर में लात मारी और वो बाथरूम में जा गिरा। ऑटो ड्राइवर बाथरूम में गिरते ही उस औरत ने झट से बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही ऑटो ड्राइवर ने उसकी दाईं तरफ देखा वो पसीने से तरबतर हो गया और उसने उठकर दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला क्योंकि उस औरत ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। उसे पता चल चुका था कि उस औरत ने जानबूझकर उसे बाथरूम में बंद कर दिया है। ऑटो ड्राइवर दरवाजा पीट पीट कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैडम दरवाजा खोलो, मैडम मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझसे गलती हो गई मैडम, मुझे माफ कर दो मैडम। वो भीख मांग रहा था लेकिन बाथरूम के बाहर से कोई जवाब नहीं आया। बाथरूम के बाहर सन्नाटा फैल गया। आखिरकार दरवाजा पीट पीट कर उसके हाथ दुखने लगे और उसने दरवाजा पीटना बंद कर दिया। उसने उसकी दाईं ओर देखा, वैसे ही उसे बाथटब में लगा लाशों का ढेर दिखाई दिया। 8-10 लाशें एक के ऊपर एक रखी हुई थी और हैरानी की बात तो यह थी कि उन सभी लाशों के ऊपर ऑटो ड्राइवर की यूनिफॉर्म थी। इसका मतलब ये था कि वे सभी लाशें ऑटो ड्राइवर की थी। उसने अपने कपड़ों को देखा तो उसने भी वैसे ही यूनिफॉर्म पहन रखी थी।
बाथटब के बगल में मोबाइलों का ढेर पड़ा हुआ था। ऑटो ड्राइवर ने उसकी जेब से मोबाइल निकाला और वो फिर एक बार चौंक गया, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही मोबाइल का ढेर था। वो समझ गया कि उसे धोखे से फंसाया गया है। उस औरत का ऑटो में कहना कि मैं घर पे अकेली हूं और उसके बाद ऑटो में मोबाइल छोड़ना, ये सब उसकी ही चाल थी और वह बुरी तरह से उसकी जाल में फंस चुका था। वो समझ चुका था कि वे सभी ऑटो ड्राइवर भी बिल्कुल उसकी तरह ही उस औरत के जाल में फंस गए थे और वो बाद में उसी बाथ टब में मर गए। अब उसके साथ क्या होगा, इसका ख्याल उसके मन में ही आ गया। क्या ऑटो ड्राइवर उस भूतिया बंगलों से बच निकलेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस कहानी का अगला पार्ट देखना मत भूलना। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।